नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4% डीए जो 8 तारीख को केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया है। सारे न्यूज चैनल तो ये कहते हैं कि ये एक सरकारी सौगात है, और इस सौगात के बारे में बात करेंगे आज। जैसे जैसे हम अंदर इस वीडियो में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या ये सौगात है, क्या ये केंद्रीय कर्मचारियों का हक है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का माइलेज है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्रेडिट है, या सरकार का क्रेडिट। दोस्तों, ये शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, मतलब केंद्र सरकार को ये जरूरी करना था, क्योंकि सामने आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाला। आपको पहले भी पता होगा कि हर साल ये अप्रैल के लास्ट वीक में डिक्लेयर हुआ करता था, परंतु इस बार जल्दी हो गया। जल्दी इसलिए हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी चुनाव में जाना है और आचार संहिता लगने वाली है। ये गवर्नमेंट की का कर्तव्य बनता है कि आपको चुनाव में जाने से पहले ये डिक्लेयर कर दिया जाए, आपको फायदा मिले। तो इस बार जो है 4% इस AICPN के आधार पर ही 4% समथिंग का बन रहा था, यानी कि 50.3% के आसपास बन रहा था। तो ये बनता ही है, 4% बनता है, और वो ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है बस कैबिनेट मीटिंग करके। इसमें क्रेडिट किसी का नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को माइलेज लेने की जरूरत नहीं है। और न्यूज चैनल तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। न्यूज चैनल में कोई न्यूज तो ऐसा कहता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात मिल गई है, केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिल गई है, कोई कहता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, और सरकार का डिक्लेरेशन पर सरकार का ये कर्तव्य है। ये न सोचें कि बोला सरकार ने अपने झोली से दिया। अगर ऐसा होता, सरकार या पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस में आके ऐसा कुछ करती, तो 4% की जगह 6% क्यों नहीं दे दिया गया, 8% क्यों नहीं दे दिया गया, 10% क्यों नहीं दे दिया गया। चुनाव आ रहे थे तो 10% भी तो दे सकते थे, ताकि ये सब सिर्फ एडवर्टाइजिंग स्टंट है। अब ऐसे में न्यूज चैनल ज्यादा ठगने लगते हैं, बोला कोई केंद्रीय कर्मचारियों को इतनी राहत दे दी और सरकार उनके बारे में सोचते हुए ऐसा कर दिया। ऐसा तो नहीं, सरकार उतनी दे रही है जितना महंगाई दर हुई है, वो 7th CPC में जो लिखा हुआ है उसी तो तौर पर दे रही है। इससे ज्यादा न सरकार दे सकती, न कोई दे सकता। हाँ, इस पर इसी सिस्टम के तहत 50% का जो डीए है वो बढ़ने पर 25% आपका जो 25% अलाउंसेज में बढ़े, ये भी इसी सिस्टम के तहत है। ये 7th CPC में लिखा है कि जब भी 25% और 50% 75% ऐसे डीए हो जाएगा, उसके साथ साथ क्या कर दिया जाएगा, जितने भी अलाउंसेज हैं, जैसे HRA है, CA है, और भी बहुत सारे अलाउंसेज हैं, वो अलाउंसेज 25% बढ़ जाए। इसी तर्ज पर जो HRA जो मिलता है, केंद्रीय कर्मचारियों को जो अचारे मिलता है वो सिटियों के हिसाब से मिलता है। जैसे एक्स सिटी को 27% था अभी तक, और वाई सिटी को 18% था, और जेड सिटी को 9% था। तो क्रमशः ये 30%, 20% और 10% हो चुका है। अब इसके बाद जो भी अलाउंसेज आपको, मतलब जो भी अचारे मिलेगा, इस हिसाब से मिलेगा। ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई चिट्ठी आने की जरूरत नहीं। इसी क्रम में एक CA भी आपको जो सालाना 27,000 रुपये मिलता था, वो भी 25% बढ़ जाएगा। इसी तरह जितने भी अलाउंसेज हैं वो सारे आपके इसी तरह 25% बढ़ जाएंगे। अब बात आती है कि 18 महीने का जो डीए है, जो पेंडिंग डीए, वो क्या सरकार देगी। इसके बारे में कैबिनेट से बात हुई है, सरकार से बात हुई है। बात कौन कर रहा है? जो केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन बने हुए हैं वो बात कर रहे हैं। कुछ मुद्दों में बात हुई है और उसमें आप निराशा भी मिली है कि अभी तो कुछ ऐसी बातें नहीं हुई हैं कह के। अगर करना होता, सरकार को अगर करना होता, तो ये जो डीए का ये था इसी टाइम हो जाता, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि वो होगा। इसी क्रम में फिटमेंट फैक्टर का भी बात चल रही थी। इस फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 जो मिलता है, उसे 2.68 करने की मांग जो है
कर्मचारियों के संगठन द्वारा उठाई गई है, बहुत पहले से उठाई गई है और अभी थोड़ा चुनाव के चलते इसको इसकी हवा थोड़ा तेज कर दी गई है, परंतु इस पे भी उन्होंने अभी कोई डिस्कस नहीं किया है ऐसा वो उनका कहना। इस पर गवर्नमेंट ना कहती है ना हाँ करती है, ना इसलिए नहीं करती है कि इनको मुद्दा जिंदा रखना है और हाँ इसलिए नहीं करती है कि उनको बर्डन पड़ेगा। अगर सीधे ना कह देती है तो उनको चुनाव में नुकसान होगा, इसीलिए आपको ये मुद्दा जिंदा रखने के लिए ये सारे स्टंट कर किए जा रहे हैं और कर्मचारी संगठन सीधे सीधे इनके साथ मतलब इन प्रकरणों में लगे हुए हैं। प्रक्रिया और है, 7th CPC में ये लिखा गया है कि आपका 50% DA जैसे हो जाता है तो वो बेसिक पेमेंट मर्ज कर दिया जाएगा। अब इसमें जो है कर्मचारी संगठनों ने मांग कर रखी है कि 50% DA जो है वो बेसिक पेमेंट मर्ज कर दिया जाए और 25% DA और उसमें दे दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट ये करे, 25% तो नहीं, 2-3% करीब देगी गवर्नमेंट, अगर देगी भी तो 25% DA तो नहीं दे पाएगी, परंतु अगर इनको अगर पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, अगर वैसे तो माइलेज चाहिए नहीं, माइलेज बहुत आगे है इनका, NDA का माइलेज बहुत ज़्यादा है, उनको माइलेज तो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक कयास हम लगा सकते हैं 50% DA को मर्ज करके 2-3% उसमें ये दे दिया जाएगा, 2-3% करीब DA देने के बाद 50% को मर्ज करके ये खुशखबरी दे सकती है ताकि वोटरों को आप आसानी से लुभा सकें। ये लेस चांसेस हैं, मतलब 70-30 का रेशियो है इसमें। संगठन तो कहते रहेंगे, संगठनों का अपना मतलब फायदा चाहिए उनको तो वो तो लड़ते रहेंगे, परंतु सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है जब तक उनको वोट ठीक ठाक मिल रहे हैं तब तक पूछने वाली नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।